दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बी ए फर्स्ट ईयर की फोर्थ पोयम लाइंस एडिसन फ्रॉम द डनशीड की स्टडी करेंगे, जिसको अलेक्जेंडर पॉप ने कंपोज किया है। अलेक्जेंडर पॉप का जन्म 1688 और मृत्यु 1744 में हुई थी। दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, नहीं तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आएगी। बीए की पहली वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। द एम्ब्रॉयडर्ड सूट एट लीस्ट ही डीम्ड हिज प्रे। एम्ब्रॉयडर्ड सूट मीन कढ़ा हुआ सूट। एट लीस्ट मीन कम से कम। डीम्ड मीन समझा या समझाना। प्रे मीन शिकार। कम से कम कड़े सूट पहने व्यक्ति को उसने अपने शिकार के लिए उचित समझा, यानी देवता ने अपने शिकार के लिए उचित समझा। डेड सूट एंड अनपेड टेलर स्नेच्ड अवे। अनपेड मीन ना चुकाया हुआ। स्नेच्ड मीन छीन लेना। उस सूट को वे दर्जी छीन ले गया जिसकी कीमत नहीं चुकाई गई थी। नो रेग नो स्क्रैप ऑफ ऑल द ब्यू और विट। डेट वंस फ्लेटर्ड एंड डेट वंस सोरिट। रेग मीन चितड़ा या कत्तर। स्क्रैप मीन टुकड़ा। ब्यू मीन छबीला या छेला। विट मीन समझदार या बुद्धिमान। फ्लेटर्ड मीन फड़फड़ाना या फ्लेटर मीन फड़फड़ाना या भटकना। उस बुद्धिमान या छबीले के जिस पर कपड़े की एक भी कत्तर या टुकड़ा नहीं बचा, वे इधर उधर भटक रहा था। हेवन रिंग्स विद लाफ्टर। हेवन मीन जन्नत या स्वर्ग। स्वर्ग हंसी से गूंज उठा। ऑफ द लॉफ्टर वैन मीन बेकार, मगर ये हंसी बेकार थी। डलनेस गुड क्वीन रिपीट्स द जेस्ट अगेन। डलनेस मीन नीरसता की देवी। जेस्ट मीन मजाक। नीरसता की देवी ने इस मजाक को दोहरा दिया। थ्री विक्ड इम्स ऑफ हर ऑन ग्रब स्ट्रीट कोयर। विक्ड मीन बुरे या दुष्ट। इम्स मीन छोटे भूत। कोयर मीन गायक मंडली। तीन छोटे बुरे भूत जो गलियों में टोली बनाकर गाते थे। शी डिकेट लाइक कंग्रीफ एडिशन एंड प्रेयर। डिकेट मीन सजाना। उसने कंग्रीफ एडिशन और प्रेयर में सजा दिया जो अब महान कवि हैं। मीर्स वार्नर विल्किंस रन डिलूसिव थॉट मीन धोखे से भरे विचार। मीर्स वार्नर विल्किंस धोखे से भरे विचार रखते थे। ब्रेवेल बॉन्ड बिसलिल द वॉरलेट्स कॉट। वॉरलेट्स मीन बदमाश। ब्रेवेल बॉन्ड बिसलिल बदमाश थे जिनको नीरसता की देवी ने पकड़ लिया था। इस स्टेंजा में कवि कहता है कि एक फरिश्ते ने एक कड़े हुए कपड़े पहने आदमी को अपने शिकार के लिए उचित समझा, मगर उसके पहुंचने से पहले उस सूट को वे दर्जी छीन ले गया जिसको सूट के पैसे नहीं दिए गए थे। अब उस आदमी के जिस्म पर कपड़े की एक भी कत्तर नहीं बची, वे इधर उधर भटक रहा था। इस घटना से पूरा स्वर्ग हंसी से गूंज उठा, मगर ये हंसी बेकार थी। ऐसा लगता है कि नीरसता की देवी ने इस मजाक को दोहरा दिया है। कंग्रीफ एडिशन और प्रेयर को महान कवि बनाकर ये तीन दुष्ट मीर्स वार्नर और विल्किंस थे जिनके विचार भ्रम पैदा करने वाले थे। ब्रेविल बॉन्ड और बिसलिल वे बदमाश थे
जिनको नीरसता की देवी ने बंधक बना लिया था। कर्ल स्ट्रेच आफ्टर गे। कर्ल, कर्ल मीन घुंघरेले बाल। स्ट्रेच, स्ट्रेच मीन फैले हुए। गे के बाद फैले हुए घुंघरेले बाल उसके हैं। बट गे इज गॉन, मगर गे जा चुका है। ही ग्रेस्प्स एन एम्प्टी जोसेफ फॉर अ जॉन। ग्रेस्प्स, ग्रेस्प्स मीन पकड़ना या लेना। एम्प्टी, एम्प्टी मीन खाली। जॉन की खाली जगह जोसेफ ने ले ली है। सो प्रोटस हॉन्टेड इन अ नोबलर शेप। हॉन्टेड, हॉन्टेड मीन शिकार। नोबलर, नोबलर मीन महान। शेप, शेप मीन परछाई। जैसे समुद्र के देवता प्रोटस ने एक महान परछाई समझकर शिकार किया। बिकेम वेन साइज्ड ए पप्पी और एन एप। एप मीन लंगूर। मगर जब उसका साइज देखा तो वह एक कुत्ते का बच्चा या लंगूर निकला। टू हिम द गोडेस सन थी ग्राइफ ले डाउन। गोडेस, गोडेस मीन नीरसता की देवी। ग्राइफ, ग्राइफ मीन उदास। अपने बेटे की इस गलती से नीरसता की देवी उदास हो गई। एंड टर्न दिस होल इल्यूजन ऑन द टाउन। इल्यूजन, इल्यूजन मीन गलत फहमी। और इस गलत फहमी ने पूरे नगर को उदासी में बदल दिया। एज द सेज डैम एक्सपीरियंस्ड इन हर ट्रेड। सेज, सेज मीन चालाक। डैम, डैम मीन औरत। जैसे चालाक औरत ने अपने व्यापार के अनुभव में बाई मीन्स ऑफ टोस्ट रिटेल्स ईच बेटर्ड जेड। बेटर्ड, बेटर्ड मीन निकम्मा। जेड, जेड मीन थका हुआ घोड़ा। टोस्ट के नामों से प्रत्येक निकम्मा थका हुआ घोड़ा बेच दिया। वेंस हेल्पलेस मॉन्सियर मच कंप्लेंस एट पेरिस ऑफ रॉन्ग्स फ्रॉम डचेस एंड लेडी मेरिस। वेस, वेंस, वेंस मीन्स जिस वजह से हेल्पलेस। हेल्पलेस मीन बदकिस्मत। मॉन्सियर, मॉन्सियर मीन श्रीमान या साहब। डचेस, डचेस मीन रानी। जिस वजह से उस बदकिस्मत श्रीमान ने पेरिस की रानी या लेडी मेरिस से उस औरत की शिकायत की। इस स्टेंजा में कवि कहता है कि जोसेफ एडिसन की तरह घुंघरेले बाल गे के थे। गे तो इस दुनिया से जा चुका है, मगर अब सिर्फ एडिसन रह गया है जो गे की तरह नकली बाल रखता है। जिस तरह से समंदर के देवता ने एक बहुत बड़ा आकार समझकर शिकार किया, मगर वे एक पिल्ला या लंगूर निकला। अपने बेटे की इस गलती से देवी उदास हो गई और पूरे नगर पर उदासी छा गई। जिस तरह एक चालाक औरत ने एक सीधे साधे आदमी को टोस्ट के बदले टोस्ट के नाम से निकम्मे घोड़े बेच दिए थे, उस आदमी ने उस औरत की शिकायत पेरिस की रानी से की थी। दोस्तों, लास्ट स्टेंजा की स्टडी करते हैं। बिथाइन माई स्टेशनर दिस मैजिक गिफ्ट। स्टेशनर, स्टेशनर मीन प्रकाशन। ये मेरा जादुई प्रकाशन है। कुक शेल बी प्रायर एंड कनकेनन स्विफ्ट। कुक प्रायर हो जाएगा और कनकेनन स्विफ्ट हो जाएगा। सो शेल ईच होस्टल नेम बिकम आवर ऑन। होस्टल, होस्टल मीन विरोधी। इस तरह से प्रत्येक हमारा विरोधी नेम अपना हो जाएगा। एंड वी टू बोस्ट आवर गार्थ एंड एडिशन। बोस्ट, बोस्ट मीन घमंड करना। और हम भी घमंड करते हैं गार्थ और एडिशन पर। विद डेट शी गेव हिम पीटियस ऑफ हिज केस। पीटियस, पीटियस मीन हमदर्दी। उसने उसके मामले में उसको हमदर्दी दी है। येट स्माइलिंग एट हिज र्यूफल लेंथ ऑफ फेस। र्यूफल,
रिफल मीन उदास। वे अभी तक अपने उदास चेहरे पर एक लंबी मुस्कान रखे हुए है। ए शेगी टेप इस्ट्रे वर्थी टू बी स्प्रेड ऑन कोड्रस ओल्ड और डेंटस मॉडर्न बेड। ए शेगी टेप इस्ट्रे मीन पुराना भद्दा कपड़ा, वर्थी मीन योग्यता, स्प्रेड मीन बिछाना। पुराना भद्दा कपड़ा जिसको नए जमाने के बेड पर बिछाने के योग्य बनाया हो। इंस्ट्रक्टिव फर्क हुज रॉय माउथेड पोर्ट्रेचर डिस्प्लेड द फेट्स हर कन्फेशर्स एंड योर। इंस्ट्रक्टिव मीन हिदायती, रॉय मीन मुड़ा हुआ, माउथेड मीन मुंह वाला, पोर्ट्रेचर मीन चित्र, फेट्स मीन किस्मत, कन्फेशर्स मीन अनुयायी यानी सेवक, एंड्योर मीन बर्दाश्त करना। हिदायती काम जिसको मरोड़े हुए मुंह वाली चित्रकारी में दर्शाया गया हो उसके सेवकों की किस्मत में बर्दाश्त करना है। इस स्टेंजा में कवि कहता है कि मेरा जादुई प्रकाशन की वजह से कुक प्रायर बन जाएगा और कनकेनन स्विफ्ट बन जाएगा। इस तरह हमारे सारे विरोधी अपने बन जाएंगे और हम भी एडिशन और गार्थ के बारे में अहंकारी बातें करेंगे। नीरसता की देवी ने उसके ऊपर हमदर्दी की है उसे कवि बनाकर, जिसकी वजह से वे मुस्कुरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि नए बेड पर पुरानी चादर हो। देवी भी अपने इस काम से दुखी हो रही होगी और शर्मिंदा होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।